हेलो एंड वेलकम बैक टू वीआई व्लॉग्स यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। तो गाइज आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही प्रीमियम कार जो कि हुंडई की तरफ से है। तो रिसेंटली लॉन्च किया गया है ये वाला एडिशन आप जो देख रहे हैं, ये है हुंडई क्रेटा का एडवेंचर एडिशन एंड ये जो है SX वेरिएंट है जिसकी अभी हम जो है बात करेंगे। इसके स्पेसिफिकेशंस और इसमें क्या है नॉर्मल क्रेटा से वो हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे नए हैं तो फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें। तो सबसे पहले मैं आपको गाड़ी का ओवरव्यू दिखाता हूँ, ओवरऑल लुक मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये रहा इसका साइड का लुक कुछ इस तरीके का। अब इसका फ्रंट का लुक मैं आपको दिखाता हूँ। तो एडवेंचर एडिशन क्यों है ये वो भी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि इसमें आए हैं 21 यूनिक फीचर्स, 21 नए फीचर्स के साथ ही जो है इन्होंने लॉन्च की है, तो वो चीज़ जो है इसको यूनिक बनाती है। अब चलते हैं इसके बैक साइड की तरफ, मैं आपको इसका बैक प्रोफाइल दिखाता हूँ। तो ये है गाड़ी का बैक साइड कुछ इस तरीके का, यहाँ पे क्रेटा लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। अब हम गाड़ी का जो है पूरा क्लियर जो जितने भी इसके स्पेसिफिकेशंस है, जितने भी इसके 21 न्यू फीचर्स हैं एडिड फीचर्स, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो गाइज़ गाड़ी आपने बिल्कुल आगे से पीछे तक देख ली, तो आपको इसमें डिफरेंट क्या लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब करते हैं बात जो भी इसमें फ़ीचर्स हैं उससे हम स्टार्ट करेंगे, मतलब एक एक फ़ीचर हम वन बाय वन आपको बोलेंगे। इसमें कितने वेरिएंट्स आते हैं, इंजन वेरिएंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, और एडवेंचर इसमें क्यों लिखा गया है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलते अब करते हैं बात इसके फ्रंट से। तो गाइज अगर इसकी लाइटिंग की बात की जाए तो फ्रंट में आपको जो है 3 पीसेज में LED DRLs देखने को मिलेंगे, और बीच में आपको जो है इन्हीं LED DRLs के बीच में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे जो कि LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है। अगर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो फॉग लैम्प्स का ऑप्शन दिया गया है, जिसके साथ आपको इंडिकेटर का ऑप्शन भी दिया जाता है। नॉर्मल क्रेटा जैसा ही ये सेटअप दिया गया है। तो गाइज अब बात करते हैं इसके कीज से। ये रही इसकी कीज़ कुछ इस तरीके की, यहाँ पे आपको 4 बटन मिलते हैं, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया की, मतलब नॉर्मल सी की है। हर एक आपको लगभग हुंडई की हर एक ऊपर वाले वेरिएंट्स में आपको लगभग यही की देखने को मिलेंगी। एंड यहाँ पे इसका कलर कुछ ये देखिए ब्राउनिश हिस्सा दिया गया है, एंड साथ ही जो है यहाँ पे हुंडई का लोगो, एंड यहाँ पे आपको 4 बटन्स मिलते हैं ये इलेक्ट्रिक टेलगेट के लिए। एंड ये जो है आप इससे जो है गाड़ी को बाहर से ही स्टार्ट कर सकते हैं, अभी मैं स्टार्ट नहीं कर, गियर में गाड़ी है तो आपको हैंड ब्रेक चढ़ाना पड़ेगा और गाड़ी को न्यूट्रल में रखना पड़ेगा, तब जाके आप गाड़ी को बाहर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है लगभग BMW फिरारी ऐसी कार्स में जो है आती थी। यहाँ पर आपका अनलॉक बटन एंड यहाँ पर आपको लॉक बटन, ये 4 जो है आपको इसमें बटन्स मिलते हैं। तो अब बात करते हैं इसके फ्रंट से, फ्रंट के लुक से। तो फ्रंट का लुक सेम टू सेम ही है, बट यहाँ पे बहुत सारी चेंजेस कर दी गई है। क्रोम यहाँ से हटा दिया गया, 21 फीचर्स की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको नज़र पड़ेगी ब्लैक कलर के लोगो की तरफ, ये जो है ये चेंज कर दिया गया है। इसमें हुंडई का लोगो है यहाँ पे ब्लैक कलर का। तो गाइज अगर इस ग्रिल की हम बात करें तो इसको बोलते हैं ब्लैक सिग्नेचर कास्केडिंग ग्रिल। तो एडवेंचर में आपको ये वाली ग्रिल देखने को मिलती है। हम थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर में ही स्किड प्लेट देखने को मिलेगा, आगे भी और पीछे भी लगभग इसमें थोड़ा सा पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है फ्रंट एंड रियर जो होता है स्किड प्लेट उसमें। तो अभी हम जो ये बात कर रहे हैं ये सारे इसके नए फीचर्स हैं, जो 21 न्यू फीचर जो कि एडवेंचर एडिशन में आपको देखने को मिलेंगे। तो अब नए फीचर की तरफ चलते हैं, वो है इसका यहाँ पे आप फेंडर पे देख सकते हैं एडवेंचर का एम्ब्लम यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखिए ये राइट फेंडर एंड लेफ्ट फेंडर दोनों साइड में आपको जो है देखने को मिलेगा एडवेंचर यहाँ पे सिग्नेचर डाला हुआ है। तो बहुत ही ज़बरदस्त और मतलब अलग अट्रैक्टिव लगता है ये, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब गाड़ी किसी और चीज़ के लिए बनी है। अगर आप किसी एडवेंचर पर जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा, गाड़ी एक्चुअली 4x4 नहीं है बट एडवेंचर क्यों है ये वो भी मैं आपको अंदर जाके बताऊंगा। अभी मैं आपको जो है 21 फीचर्स वो बता रहा हूँ जो कि इसमें जो है डाले गए हैं। अब चलते हैं सीधा इसके टायर्स की तरफ, यहाँ पे आपको जो है 16 इंचेस के बदले आपको 17 इंचेस का जो है व्हील दिया गया है यहाँ पे, ये देखिए बहुत ही बड़ा व्हील है और गाड़ी का साइज़ भी अपलिफ्ट हुआ है इन व्हील्स की वजह से। यहाँ पर और एक चीज़ है, यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड कलर के आपको स्पोर्टी कैलिपर्स दिए गए हैं, हुंडई का लोगो बीच में है और ये SX वेरिएंट है जिसकी भी आप ये बात कर रहा हूँ। तो अगर गाड़ी टायर के साइज़ की बात करें तो 215/60 R17 टायर्स आपको ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं। एंड फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको जो है
मैक पर्सन स्ट्रट विद कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन दिया गया है। तो गाइज आपको यहाँ पे जो है चारों टायर्स में आपको ऑल फोर व्हील डिस्क जो है डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलेंगी। एंड साथ ही अगर मैं इनके सेफ्टी की बात करूँ, इसमें आपको जो है ABS विद EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ESC जिसे बोलते हैं, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, ये सारी चीज़ें TPMS जैसी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती है। अब चलते हैं रियर टायर की तरफ। तो रियर में भी आपको जो है यहाँ पे सेम टू सेम टायर साइज मिलेगा। एंड अगर इसके पीछे वाले सस्पेंशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो है पीछे की तरफ ये देखिए कपलर टोर्जन बीम सस्पेंशन आपको देखने को मिलता है। कपलर टोर्जन बीम एक्सल सस्पेंशन आपको पीछे की तरफ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो है लेफ्ट साइड में ही टैंक का ऑप्शन दिया गया है। तो अब करते हैं बात इसके साइड प्रोफाइल की। यहाँ पे आपको जो है बॉडी पे रग डोर क्लैडिंग मिलती है जो कि आपको नॉर्मल क्रेटा SX में देखने को नहीं मिलेगी। ये देखिए ये बहुत ही रग और ज़बरदस्त और यूनिक स्टाइल देती है इसमें। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की तरफ, आपको नीचे भी आप देख सकते हैं क्लैडिंग के नीचे जो फेंडर होते हैं उन पर भी आपको जो है पियानो ब्लैक फिश दिया गया है। तो गाइज करते हैं बात इसके ORVMs की। तो इसमें आपको जो है ब्लैक ORVMs दिए गए हैं। ये देखिए पियानो ब्लैक फिनिश में आपको यहाँ पे ORVMs मिलते हैं जिनमें आपको जो है इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं। ऊपर की तरफ पियानो ब्लैक फिनिश है और नीचे की तरफ नॉर्मल फिनिश दिया गया है। इसमें आपको कोई भी 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शन नहीं दिया गया है। यहाँ पे A, B and C पिलर आपको बिल्कुल ब्लैक कलर में दिए गए हैं। एंड यहाँ पे मैं आपको सी पिलर दिखाऊँ तो इसमें आपको जो है ब्लैक गार्निश दी गई है जो कि बहुत ही यूनिक और स्टाइलिश लग रहा है। और साथ ही आपको मिलते हैं यहाँ पे बॉडी कलर, यहाँ पे हैंडल्स, डोर हैंडल्स आप देख सकते हैं, ये आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स इसमें दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है 50 लीटर्स की टैंक कैपेसिटी देखने को मिलेगी, यानी 50 लीटर की आपको यहाँ पे टैंक कैपेसिटी मिलती है जो कि बहुत ही ज़्यादा होती है। अब चलते हैं इसके रियर पार्ट की तरफ। तो ये रहा रियर पार्ट का, इसका रियर पार्ट कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे आपको नॉर्मल क्रेटा जैसा ही लगेगा बट थोड़ी बहुत आपको चेंजेस में बताता हूँ वो क्या है। यहाँ पे सबसे पहले आपको ड्यूअल टोन में आपको यहाँ पे पीछे का स्पॉइलर देखने को मिलेगा। एंड पीछे आपको जो है यहाँ पे SX वेरिएंट में ही रियर डिफॉगर देखने को मिलता है प्लस रियर वाइपर। एंड यहाँ पे आपको जो है इसमें रियर वॉशर दिया गया है। ये देखिए आपको रियर वॉशर यहाँ पे दिया गया है, जो हाई माउंटेड लाइट होती है वो वहाँ से उठा के उन्होंने यहाँ पे जो है इंटीग्रेट कर दी है। एंड यहाँ पे आपको पीछे की तरफ कुछ मतलब ओल्ड वाली क्रेटा जैसी ही लाइट्स देखने को मिलती हैं। इनमें कुछ खास नहीं है बट ये लाइट्स आपको सेम टू सेम पुरानी वाली जैसी ही मिलेंगी। एंड यहाँ पे आपको जो है ब्लैक क्रोम फिनिश में आपको हुंडई का लोगो एंड यहाँ पे क्रेटा का लोगो देखने को मिलेगा। पीछे की तरफ आपको सेंसर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे पीछे रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको देखने को मिलेगा। SX वेरिएंट है तो उसकी बैजिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब थोड़ा सा अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे जो आप दो लाइट्स देख रहे हैं इनमें आपको जो ये रिवर्स लाइट्स होती हैं। एंड यहाँ पे आपको जो है जो इसका एग्जॉस्ट है उसमें आपको कोई भी क्रोम फिनिश देखने को नहीं मिलता है SX वेरिएंट में। बट क्लैडिंग आप देख सकते हैं, ऑल ब्लैक क्लैडिंग फ्रंट एंड रियर दोनों में आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे आप इसकी हाइट देखिए तो हाइट इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि 17 इंचज के आपको उसमें टायर दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको 433 लीटर्स की बूट स्पेस आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको बड़ी सी पार्सल ट्रे देखने को मिलती है। एंड साथ ही नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आपको स्टेपनी मिलती है, इसका साइज़ है R16। टायर इसमें अपने जो है R17 मिलते हैं बट ये वाला जो है स्टेपनी ये आपको R16 मिलेंगे विदाउट अलॉयज। एंड साथ ही पीछे की तरफ आपको यहाँ पे एक हुक मिलता है एंड यहाँ पे आपको एक लाइट देखने को मिलेगी। अगर सीट्स की बात करें तो 60-40 यहाँ पे स्प्लिट सीट आपको देखने को मिलेगी। एंड जिसमें आपको जो है मेन चीज़ में आपको बताऊँ, आप यहाँ पे जो है बूट स्पेस बढ़ा सकते हैं। तो गाइज चलते हैं अब गाड़ी के अंदर। और यहाँ पे आपको जो है जैसे मैंने आपको बोला कीलेस एंट्री आपको यहाँ पे मिलती है। एंड फीचर्स की मैं अगर बात करूँ यहाँ पे आपको सबसे पहले नज़र पड़ेगी स्पोर्टी पैडल्स की तरफ। यहाँ पे बिल्कुल अलग स्पोर्टी टाइप के आपको पैडल्स देखने को मिलेंगे। एंड सबसे पहले आप बात करेंगे इसके डोर्स की, डोर आपको बिल्कुल ब्लैक कलर में पूरे ब्लैक कलर में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपके ऑल विंडो कंट्रोल्स यहाँ पे मिलते हैं प्लस क्रोम आपको यहाँ पे इंटीरियर हैंडल मिलता है ये भी आपको ब्लैक में मिलेगा, बोतल होल्डर। और यहाँ पे आपको एक स्पीकर, आपको इसमें चार स्पीकर और चार ट्विटर्स देखने को मिलते हैं SX वेरिएंट में। तो अगर गाइज बात करें SX वेरिएंट के सीटिंग की, यहाँ पे आपको जो है आपको यहाँ पे फैब्रिक अपोलिस्ट्री मिलती है ग्रीन कलर। यहाँ पे एडवेंचर सीरीज जो आती है उस हिसाब के आपको यहाँ पे जो है कलर दिया गया है सीटिंग में। एंड यहाँ पे आपको साइड में लेदर ट्रिम इसमें दिया गया है। एंड ये आपको जो है मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। 8-way मैनुअली एडजस्टेबल आपको यहाँ पे सीट्स मिलती है। एंड
को ड्राइवर की अगर मैं बात करूँ तो 6-way मैनुअली एडजस्टेबल आपको सीट देखने को मिलती है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और ये रहा इसका, सबसे पहले ये थोड़ा सा पीछे करेंगे तो ये रहा इसका स्टीयरिंग व्हील कुछ इस तरीके का। नीचे फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील आपको स्पोर्टी टाइप में मिलता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे कंट्रोल्स आपको स्टीयरिंग व्हील में देखने को मिलेंगे। ये देखें तो लेदर रैपिड स्टीयरिंग व्हील आपको SX वेरिएंट में ही देखने को मिलता है। अगर AC वेंट्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे इंसर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो थोड़े से ग्रीन कलर में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एंड AC वेंट्स का डिज़ाइन ना थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ थोड़े से बटन्स देखने को मिलते हैं। ये लाइट आई बीम लोगिंग के लिए आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये ट्रैक्शन कंट्रोल, ये इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप, एंड यहाँ पे जो है आपको बटन यहाँ पे मिलता है गाड़ी स्टार्ट करने के लिए। एंड अगर इसके स्टीयरिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको टिल्टेबल एंड आपको टेलीस्कोपिक यहाँ पे स्टीयरिंग नहीं मिलता है। तो ये थे इसके स्टीयरिंग के कुछ कंट्रोल जो मैंने आपको बताए। और इसमें आपको जो है 6 एयरबैग्स का ऑप्शन दिया गया है एज स्टैंडर्ड। ये मुझे अच्छी चीज़ लगी, 6 एयरबैग्स आपको SX वेरिएंट से देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इसके यहाँ पे MID की। ये रहा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मैनुअल एंड डीजी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिलता है। ये देखिए यहाँ पे आपको छोटा सा डिस्प्ले देखने को मिलेगा, लगभग 3 इंच का है ये, जिसमें आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। बाकी स्पीडोमीटर यहाँ पे आपको, ये देखिए फ्यूल मीटर, फ्यूल गास जो होता है सारा आपको एनालॉग ही देखने को मिलेगा SX में। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये देखिए कुछ इस तरीके का आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। 3 सीट बेल्ट वार्निंग इसमें आपको दिखाता है, लो फ्यूल वार्निंग आपको इसमें दिखाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपको इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने को मिलती है। अब चलते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ। यहाँ पे आपको 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसमें आपको बहुत सारी कनेक्टिविटी के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। लाइक इसमें ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी आती है हुंडई की तरफ से, एंड साथ ही इसमें आपको इंटीग्रेटेड आपको इसमें मैप देखने को मिलेगा। एंड एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले का ऑप्शन भी इसमें है। रेडियो, नेविगेशन, मीडिया सब कुछ आप इसमें कर सकते हैं। प्लस आप इसमें जो है USB भी लगा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है आप इसमें कर सकते हैं। तो गाइज अब बात करते हैं इसके डैश की। यहाँ पे आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर्स मैंने आपको जैसे बोला देखने को मिलेगा। यहाँ पे फुल डैश जो है इसका ब्लैक में ही आपको देखने को मिलता है। क्रेटा जो है मतलब बिल्कुल एक तो फ्यूचरिस्टिक कार है, ऊपर से इसमें आपको जो है इंटीरियर वो आपको एक ऑडी जैसा ही देखने को मिलेगा, मतलब उस लेवल का जो है क्रेटा में, इसीलिए गाड़ी को ज़्यादा पसंद करते हैं। स्पेशियस भी ज़्यादा है। आप देखिए मैं कैसे बैठा हूँ, मैं भी इसमें छोटा दिख रहा हूँ, मतलब इतनी ज़्यादा इसमें आपको स्पेस मिलती है ड्राइविंग के लिए। इजीली आप ड्राइव कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है आपको इसमें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे मैं आपको पहले इंफोटेनमेंट सिस्टम दिखाता हूँ। ये आप मैन्युअली भी कंट्रोल कर सकते हैं एंड आपको ये वॉइस कमांड से भी कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन भी दिया गया है। इस साइड से जो है आप MID कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम आप स्टीयरिंग व्हील के लेफ्ट साइड से कर सकते हैं, जो यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं। प्लस इसके AC की अब बात करेंगे, इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। AC भी जो है यहाँ पे आप मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं, मैनुअल जो भी करना होगा। AC के कंट्रोल्स यहाँ पे 2 नॉब्स दिए गए हैं, प्लस बटन्स भी दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल नया सा डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया है। अब बात करते हैं इसके चार्जिंग की। यहाँ पे आपको SX वेरिएंट में ही वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है। 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है, 180 वाट्स का USB, ये देखिए 2 USB आपको यहाँ पे मिलते हैं, तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे बीच में हैजार्ड लैंप, एंड थोड़ा सा अगर पीछे जाएंगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक बटन आपको देखने को मिलेगा। तो ये वर्क करता है जब आप ड्राइव कर रहे होंगे तब ये काम करेगा। ये आपको रियर में दिखाता है कि क्या हो रहा है, मतलब वो कुछ चीज़ें आपको इसमें दिखाता है। अब बात करते हैं इसके गियर नॉब की। ये रहा इसका गियर नॉब, बहुत ही प्रीमियम गियर नॉब ये दिख रहा है। एंड यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए गाइस इसमें आपको जो है 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा एंड विद रिवर्स गियर। टोटल मिला के आपको जो है 7 गियर्स इसमें मिलते हैं। बिल्कुल इसमें क्रोम फिनिश दिया गया है, बहुत ही बढ़िया। नीचे लेदर आपको यहाँ पे वाइपिंग मिलती है। तो ये रहा इसका हैंड ब्रेक, ये भी आपको ब्लैक कलर में ही दिया गया है। जो इसका बटन है ये आपको अक्सर जो है सिल्वर कलर में देखने को मिलता है, बट यहाँ पे ये भी ब्लैक कलर का दिया गया है। प्लस यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिलते हैं। पीछे आपको लेदर, ये देखिए आर्म रेस्ट मिलता है, इसमें लेदर रैपिंग की गई है। एंड इसके अंदर आपको थोड़ी बहुत स्पेस भी मिलती है, थोड़ी बहुत नहीं अच्छी खासी आपको यहाँ पे स्पेस भी मिलती है। अब बात करते हैं इसके सनरूफ की। इसमें आपको जो है सनरूफ मूनरूफ दोनों मिलेंगे, दोनों का ऑप्शन, वो भी आप वॉइस से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो अब मैं इसको जो है मैन्युअली ओपन करूँगा। ये देखिए इसका सनरूफ,
तो गाड़ी क्रेटा एडवेंचर है, तो आपको एडवेंचर के लिए कुछ ऐसा ही चाहिए। मतलब एडवेंचर अगर आपको फील कराना है, जो आपके बगल में बैठा होगा, आप ड्राइव कर रहे हैं, आपके साइड में को ड्राइवर होगा, तो वो बड़ा फील करेगा जब आप उन माउंटेन्स पे जाएंगे ये गाड़ी लेके। तो सनरूफ मोरूफ का ऑप्शन इसमें दिया है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो अभी इन्होंने जो है एक्टिवेट कर दिया है, अब मैं इसको वॉइस कमांड से कोशिश करूंगा ओपन करने की। ये भी आप देखिए, हाउ कैन आई हेल्प यू, ओपन द सनरूफ। Opening the sunroof. तो ये देखिए, जस्ट एक कमांड से जो है सनरूफ सारा ओपन हो गया। अब वॉइस कमांड से क्लोज भी करेंगे हम। How can I help you? Close the sunroof. तो गाइज इसे बोलते हैं फ्यूचरिस्टिक कार। ये रहा इसका ग्लव बॉक्स, तो इसमें आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स देखने को मिलेगा, एंड इसमें आपको स्पेस थोड़ी सी आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी, वो आपको कम ही मिलेगी। तो यहाँ पे आपको पीछे की तरफ हेडरेस्ट मिलते हैं, लेदर रैपिड हेडरेस्ट आपको यहाँ पे ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड में देखने को मिलेंगे। प्लस ये रहा इसका ये रही इसकी मैटिंग, ये भी 21 फीचर्स में आती है। एडवेंचर मैटिंग आपको कुछ इस स्टाइल में देखने को मिलेंगी, क्योंकि अभी इसमें डली नहीं है। अगर बात करें इसके रियर साइड की, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, पहले मुझे गाड़ी से नीचे उतरना पड़ेगा। तो रियर का जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा इसका रियर का विंडो कुछ इस तरीके का। तो इसमें भी आपको एक कंट्रोल मिलेगा, प्लस यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश में यहाँ पे अनलॉक बटन दिया गया है, एंड साथ ही आपको यहाँ पे कर्टन्स के लिए भी कर्टन्स भी दिए गए हैं। ये देखिए पीछे की तरफ आपको दोनों साइड में कर्टन्स देखने को मिलते हैं, एंड यहाँ पे आपको एक स्पीकर भी दिया गया है। एंड यहाँ पे पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे एडवेंचर हेडरेस्ट्स के लोगों के साथ आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेंगे, बहुत ही पुश्तिंग वाले आपको पीछे की तरफ एडवेंचर हेडरेस्ट्स देखने को मिलते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे आपको पीछे की तरफ भी रियर आर्मरेस्ट देखने को मिलता है, इसमें आपको कप होल्डर्स भी देखने को मिलेंगे, और स्पेशियस भी काफ़ी गाड़ी बहुत ज़्यादा है। पीछे की तरफ आपको यहाँ पे एसएक्स वेरिएंट में जो है, यहाँ पे आपको पीछे दो एसी वेंट्स मिलते हैं, एंड यहाँ पे यूएसबी चार्जिंग के लिए भी ऑप्शन दिया गया है। प्लस यहाँ पे आपको जो है एक फ़ोन के लिए भी जगह दी जाती है। तो ये थे इसके फीचर्स, एंड बाकी यहाँ पे सनरूफ मोरूफ इसमें आपको दिया जाता है। लैंप्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, एलईडी लैंप्स, आगे भी, यहाँ पे भी, और आगे आपको जो है यहाँ पे एक सनरूफ होल्डर भी दिया जाता है। अगर बात करें इसके, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे आपको डे एंड नाइट ओआरवीएम देखने को मिलते हैं, जिनमें आपको एसओएस टोइंग के लिए और ब्लू लिंक का बटन दिया गया है। प्लस आपको यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, आपको यहाँ पे ड्यूअल डैश कैम देखने को मिलता है। ये भी एक फ्यूचर 21 फीचर्स में आता है, क्योंकि जब भी आप एडवेंचर ट्रिप पे जाएंगे, तो आपको जो है सारी एडवेंचर जो है ट्रिप, वो आप इसमें जो है सारी की सारी डेटा जो है वो कलेक्ट करेंगे, और फिर आगे जाके आप वो यूट्यूब पे चढ़ा सकते हैं, या जो भी आपको रखना होगा एडवेंचर ट्रिप जितनी भी होगी, वो आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे डैश कैम दिया जाता है, साथ ही आपको यहाँ पे रूफ रेज भी ब्लैक कलर के मिलेंगे, एंड शार्क फिन एंटीना आपको यहाँ पे ब्लैक कलर का देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें जो है आपको एडवेंचर सीरीज में देखने को मिलते हैं। सबसे मेन चीज़ है कि 17 इंच के अलॉय व्हील्स आपको इस वाली सीरीज में देखने को मिलते हैं। अब करते हैं बात इसके इंजन की। तो गाइज अगर इसकी इंजन की बात करें, तो इसमें आपको 1.5 लीटर का MPI पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 84.4 किलोवाट्स का एट द रेट 6300 RPM, एंड मैक्सिमम टॉक 143.8 न्यूटन मीटर्स एट द रेट 4500 RPM। तो इसमें आपको ट्रांसमिशन दो तरीके के मिलेंगे, SX वेरिएंट एंड उसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन, एंड SX ऑप्शनल में आपको जो है IVT का ऑप्शन दिया जाता है। अब बात करते हैं इसके ऑन रोड प्राइस की। तो गाइस जो अनंतनाग में इसका ऑन रोड प्राइस है SX वेरिएंट का, वो है 17,20,000 रुपीज़। तो ये आपको इस रेट पे यहाँ पे हुंडई KY हुंडई पे पड़ेगी, और नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे के रखा है, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं और ये गाड़ी जो है अपनी बुक कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।